नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो ज़ेरोधा में शेयर बाय और सेल कैसे किए जाते हैं, इसका लाइव वीडियो बना के आपके लिए दे रहा हूं मैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये ज़ेरोधा का एक्चुअली इंटरफेस है। ये डेस्कटॉप पे ऐसा दिखता है, सेम टू सेम मोबाइल पे दिखेगा आपको। तो नीचे देख पा रहे हो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। नीचे ये जो है ये वॉच लिस्ट है ज़ेरोधा की, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वॉच लिस्ट फर्स्ट है, ये सेकंड है। वैसे आप 5 तक ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट, ठीक है। ये ज़ेरोधा में आपको सुविधा प्रोवाइड की गई है। नीचे तो मैंने कुछ शेयर ऐड किए हुए, मैंने फर्स्ट वॉच लिस्ट में देख सकते हो आप। टॉगल पे जैसे मैं लेके जाता हूँ, कर्सर दिख रहा है वॉच लिस्ट फर्स्ट, वैसे वॉच लिस्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, आप 5 बना सकते हो। एक वॉच लिस्ट में लगभग 50 शेयर ऐड होते हैं, तो कुल मिला के आप 250 तक शेयर ऐड कर सकते हो अपने वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो उसी के साथ साथ ये ऊपर देख रहे हो निफ्टी 50 है, उसी के साथ सेंसेक्स है। यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा आपको, यहाँ पे जो भी आपके ऑर्डर्स है वो मिलेंगे, यहाँ पे आपके जो भी होल्डिंग्स है वो मिलेंगे, पोजिशंस, ये फंड्स क्या होते हैं, फंड्स कितना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा शेयर बाय और सेल कैसे किया जाता है। तो मैंने रिलायंस का, मतलब मैं रिलायंस का शेयर लेता हूँ, उसमें हम आज ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया अभी, ठीक है। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलायंस का चार्ट खुल गया अभी, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसे होता है बाय और सेल कैसे किया जाता है। देख पा रहे हो मैंने कुछ 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। तो जैसे आप ये इस लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप चार्ट पे भी बाय सेल कर सकते हो और यहाँ पे भी बाय सेल कर सकते हो, लेकिन मैं चार्ट पे दिखा दूंगा तो आपको लिए, आपके लिए वो इजी रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको आज ऑर्डर में दिखा दूंगा कौन से ऑर्डर होते हैं। फिलहाल ब्रैकेट ऑर्डर ज़ेरोधा में ब्लॉक किया गया है क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो हम, ठीक है, तो हम पहले रिलायंस का शेयर बाय करके मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो ये इंटरफेस खुल के आ जाता है, ठीक है। मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे जो एरो है उसको देख लीजिए, जैसे ही मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक किया तो ये टॉगल खोल के आ गया, ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MIS लिखा है, CNC लिखा है, मार्केट ऑर्डर है, लिमिट है, ये ऑर्डर के टाइप एक्चुअली, ठीक है। उसी के साथ साथ आप नीचे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे उन्होंने मतलब मोर ऑप्शंस में कुछ ऑर्डर के टाइप है और ये डे है और IOC है, मतलब आपको इमीडिएट ऑर्डर चाहिए या कैंसिल भी हो जाएगा तो चलेगा। तो हमें इमीडिएट चाहिए क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो इमीडिएट ऑर्डर के लिए हम चेक करेंगे पहले, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो रिलायंस का शेयर हम यहाँ पे एक शेयर बाय करके दिखा दूंगा मैं आपको, MIS में दिखा दूंगा सबसे पहले। MIS में दोस्तों आपको पता है कि 2 ऑर्डर होते हैं, एक होता है आपका मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट ऑर्डर पे एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे मार्केट ऑर्डर मतलब क्लिक करोगे तो आपको जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पर मिल जाएगा। तो मार्केट ऑर्डर के बाद यहाँ पे आपको लिमिट भी ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस डालना चाहते हो तो स्टॉप लॉस भी डाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, तो ठीक है। तो मैं मार्केट ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे एक शेयर मिल जाएगा, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। देख सकते हो यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस भी है, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट भी है। तो पहले मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ये हमें देखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा आपका ऑर्डर, आपको ये पोजीशन में दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा 0.1520 पैसा ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप इसमें भी स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे MIS का, ये इंट्राडे मार्जिन स्क्वायर ऑफ इंट्राडे पोजीशन बोला जाता है इसको एक्चुअली। तो मैं दिखा देता हूँ इसको कैसे किया जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है, ये जो टैब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे आपको, अभी फिलहाल 2-3 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पे आना है आपको। इस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एग्जिट मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हमें हमारा टारगेट फिक्स करना है, तो मैं टारगेट लगा देता हूँ यहाँ पे 939.85 पैसे का हमारा परचेसिंग प्राइस है। तो मैं अपना टारगेट लगा देता हूँ कुछ 940
3 रुपीज़ का टारगेट प्लेस कर देता हूँ, नहीं तो 942.75 रुपीज़ का टारगेट लगा देता हूँ। उसी के साथ साथ देखो ये टारगेट अचीव हो चुका है हमारा, ठीक है, देख सकते हो 2 रुपये का प्रॉफिट किया हमने यहाँ पे। तो ऐसे टारगेट लगाया जाता है, तो हमने एक बार बाय करके दिखा है, मैंने आपको अभी सेल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सेल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना है और सेल पे दबाना है। जैसे सेल पे दबा दोगे आपको पूछेगा कितना क्वांटिटी चाहिए आपको। फिलहाल मैं मार्केट ऑर्डर पे दिखा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरे को 1 क्वांटिटी चाहिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको शेयर मिल जाएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो पोजीशन में जाके देखना पड़ेगा, हमें मिल चुका है 1942.53 पे मिल चुका है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको स्टॉप लॉस और टारगेट, तो हमें पहले टारगेट लगाना है। तो 53 पे मिल चुका है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कुछ 942 का टारगेट लगा देता हूँ, 941.50 का टारगेट लगा देते हैं, ठीक है। और ये टारगेट भी हमारा अचीव हो चुका है, देख सकते हो ये भी टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। तो मैंने दिखाया आपको MIS में बाय कैसे किया जाता है और सेल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी कवर ऑर्डर के बारे में देखेंगे, कवर ऑर्डर, ठीक है। तो एक कवर ऑर्डर में मैं आपको यहाँ पे बाय करके दिखा दूंगा। तो आपको यहाँ पे आना है, सिंपली बाय पे क्लिक करना है और नीचे मोर ऑप्शंस में जाना है। अभी ब्रैकेट ऑर्डर तो काम नहीं कर रहा है, तो कवर ऑर्डर के बारे में दिखा दूंगा। दोस्तों कवर ऑर्डर में भी आप मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो मैं पहले कवर ऑर्डर में मार्केट ऑर्डर का ऑर्डर कैसे डालते हैं दिखा देता हूँ। तो उसमें आपको स्टॉप लॉस भी डालने के लिए बोलेगा हो, तो मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। स्टॉप लॉस 2 रुपये नीचे डाल दूंगा मैं, 1940 को स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ मैं अपना, ठीक है। तो परचेस कर देते हैं मार्केट ऑर्डर पे, तो ठीक है। तो जैसे ही देख सकते हो आप ऊपर का और ऑर्डर है, ये मेरा MIS का पहला ऑर्डर प्लेस हो चुका था। इसमें हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलेगा, तो स्टॉप लॉस देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 940 का हमारा स्टॉप लॉस था, वो हिट हो चुका है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें हमारा 1 रुपये का लॉस हो चुका है, ओके। तो वैसे ही हमने अभी कवर ऑर्डर का परचेस देखा मार्केट ऑर्डर में, तो कवर ऑर्डर का लिमिट ऑर्डर में परचेस कैसे किया जाता है ये दिखा देता हूँ। मान लीजिए पर्टिकुलर प्राइस पे आपको एक शेयर को खरीदना है, तो उसका प्राइस जिस प्राइस पे आपको खरीदना है वो प्राइस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं डाल देता हूँ कि मुझे ये शेयर चाहिए 1940 पे चाहिए, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1938 रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, जैसे प्लेस करूंगा ये ऑर्डर्स में यहाँ पे पेंडिंग दिखा देगा, क्योंकि हमने प्लेसिंग ऑर्डर डाल दिया है 1940 को चाहिए हमें, और 1938 का हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। जैसे मिल जाएगा पोजीशन में अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल चेक करते हैं प्राइस, अभी 1940.35 चल रहा है, हमारा ऑर्डर है 1940, मतलब 9400 पे हमने लगा दिया है उसको। जैसे ये 9400 आ जाएगा हमें मिल जाएगा, चेक करेंगे अभी, अभी का प्राइस चल रहा है देख सकते हो यहाँ पे 1940.60, 1941 वगैरह चल रहा है। तो वेट करेंगे जैसे ऑर्डर मिलेगा, तो थोड़ा सा ऑर्डर मिलने के लिए मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ उसको। आप यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट डेप्थ में कौन सा प्राइस चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा दोस्तों आपके लिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1940.50 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। जैसे ये प्राइस हमारा यहाँ पे मिल जाएगा तो हमें पोजीशन में दिखा देगा कि मिला है कि नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं आ चुका है हमारा प्राइस, हमने ओके ठीक है हमें मिल चुका है। तो देख सकते हो 1940.75 पे हमें शेयर्स मिल चुके हैं रिलायंस का एक शेयर, और इसका स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने लगाया है 1938, ठीक है। जैसे ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। और टारगेट लगाने के लिए दोस्तों आपको सीधा आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना है इसमें, और कुछ नहीं है। हमारा बाइंग प्राइस है वो 1940.75, स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो मैं यही दिखाना चाहता था कि कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस डाल सकते हो, लेकिन MIS ऑर्डर में आपको पोजीशन में आने के बाद एडिट करना पड़ेगा। कवर ऑर्डर में सीधा आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो, जो कि हमारा आपका इंस्टिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अभी हमारे बाइंग प्राइस के नीचे चल रहा है, तो वेट करेंगे, जो भी है मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है वो भी दिखा दूंगा आपको। ऑर्डर्स में जाना है, अगर आपको कवर ऑर्डर का जो आपने ऑर्डर लिया है उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, मान लेते हैं आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तो ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। 1938 था हमारा पहले, तो मैं ना इसको सीधा कर लेता हूँ 1940 कर लेते हैं, ठीक है 1940 कर लेते हैं, ठीक है 1940 जैसे कर लूँगा यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। देख सकते हो 1940 हो चुका है, पोजीशन में जाके देख लेंगे। तो पोजीशन में दिखा रहा है हमें कि अभी भी 0.75 1 रुपीज़ का लॉस प्रॉफिट दिख रहा है। तो इसमें ऐसे ऑर्डर लगाया जाता है कवर ऑर्डर में,
ठीक है, तो जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको स्क्रीन पे पता चलेगा कि स्टॉप लॉस, अभी हमारा 15 पैसे से स्टॉप लॉस बचा है, 10 पैसे से बच चुका है, तो जैसे ही 1940 आ जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो कवर ऑर्डर में यही होता है कि आपको एक दायरा मतलब एक स्पैन डालना पड़ता है जहाँ से आपको लगता है कि प्राइस नीचे नहीं जाएगा वहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जो भी टारगेट प्राइस है वो देखिए मैंने देखा बोला था आपको 1940 को हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो हमने देखा कवर ऑर्डर में मार्केट में कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, लिमिट में कैसे ऑर्डर प्लेस किया जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर तो काम नहीं कर रहा है, AMO मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जैसे कि मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और ज़ेरोधा का नया अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है कि कितना पैसा लगेगा आपको एक ऑर्डर प्लेस करने में। हमने आज पढ़ा कि MIS में भी देखा कि कौन सा ऑर्डर मतलब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जा सकता है, क्या होता है, उसी के साथ मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट कैसे लगाया जाता है, कवर ऑर्डर में लिमिट ट्रिगर प्राइस कैसे लगाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करना मत भूलिए, कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।